हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन, जनरल इक्वेशन, मोर इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम रिलेटेड विथ प्लेन। ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट प्लेन्स। प्लेन्स, ओके, डेफिनेटली प्लेन्स रिलेटेड विथ ए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, सो इट इज ए कंटेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सम इक्वेशंस ऑफ प्लेन। ओके, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स। नंबर वन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, एंड फिगर इज राइट साइड। This is the figure of general equation of plane. Okay. Here A, B, C. This is important. Okay. The A, B, C, the coefficient of x, y, and z, are the direction ratio of any normal to the plane. Okay. As you see in this picture. Okay. तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ए बी सी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है इस प्लेन में। और ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो है प्लेन पर किसी भी नॉर्मल का। आप यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिए कि जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, वो ऑलवेज एक लाइन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, सो नोट डाउन दिस फैक्ट दैट डी आर एस डायरेक्शन रेशियो और DCS direction cosine is always define orientation। ये आपको direction को बताता है। ठीक है, कि direction क्या है। तो direction जो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग क्या देखते हैं? Line के through देखते हैं। ठीक है, always define orientation, that is direction of a line, direction of a line। ओके, तो देखिए, हम लोग का जो प्लेन का ओरिएंटेशन है, प्लेन का जो डायरेक्शन है, वो कौन बताता है? वो बताता है नॉर्मल। कि आप प्लेन को कैसे रखे हैं, आप प्लेन को टेबल पे रखे हैं तो नॉर्मल आपका वर्टिकली अपवार्ड होगा। अगर आप प्लेन को किसी दीवार पे रखे हैं, तब उस केस में आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में प्लेन रखा हुआ है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको उस पर नॉर्मल बताता है कि उस पर नॉर्मल कैसा है। ठीक है, तो इसलिए जो ए बी सी होगा यहाँ पे, ये कभी भी याद रखिएगा, प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियो नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन का जो डायरेक्शन है वो उसके नॉर्मल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, कोई भी अगर आप नॉर्मल लेंगे तो वो आपस में पैरेलल आएगा, और पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो एक ही होता है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, वेयर A B C is direction ratios of any normal to plane. Okay, क्लियर। तो ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन या नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, या नॉर्मल इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। ओके, नॉर्मल इक्वेशन बोलेंगे या बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। ये फार्मूला क्या होगा? ये होगा, देखिए, एल एक्स प्लस
एम ओ वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, आप फार्मूलाज को अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल एम एन का यूज़ किया है, यानी अगर आपको आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, अगर वो उसका आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम, अगर आपका ये क्या आता है, ये आपका अगर वन आता है, एल स्क्वायर किया आपने, एम स्क्वायर किया, एन स्क्वायर किया, ये आपको वन आ गया, तो डेफिनेटली क्या, डेफिनेटली ये कि जो एल एम एन है आपका, वो क्या है, वो आपका डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, डी सी एस है, तो किसका डी सी एस होगा ये, तो ये डी सी एस होगा आपका किसी भी नॉर्मल टू प्लेन का। ठीक है, डी सी एस ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन, क्लियर। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा किसी भी नॉर्मल का, जैसे ऊपर में हम लोगों का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हुआ था किसी भी नॉर्मल का, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा किसी भी नॉर्मल का। ठीक है, तो कोफिशियंट जो है एक्स वाई जेड का, उसका आप स्क्वायर करके सम करके चेक कर लीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। अगर डायरेक्शन कोसाइन है तब वो डेफिनेटली नॉर्मल फॉर्म होगा, और डायरेक्शन रेशियो होगा तो वो जनरल इक्वेशन होगा। तो अब यहाँ पे इस पी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पी हो जाएगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस या नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो वेयर पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन है आपका, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओरिजिन से लेकर के अगर ये पी है मेरा, ठीक है, तब जो पी का आप यूज करेंगे, और इस तरीके से अगर आप इक्वेशन को डिजाइन करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए, यानी आप उसको इस तरीके से लिखें कि उसका सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाए, वन हो जाए। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या कि पी जो होगा वो क्या होगा, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर, क्लियर है, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। आइए हम लोग थर्ड रिजल्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड रिजल्ट हम लोगों का क्या रहने वाला है। यस, ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन। ओके, अगर आपको x1, y1, z1 कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो उससे जो इक्वेशन पास करेगा प्लेन का, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा इज ए x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी वही होगा, ए बी सी क्या होगा, वेयर ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियोज। ओके, ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, जब भी आप इस तरह से ए बी सी का यूज करेंगे, तो याद रखेंगे ये डायरेक्शन रेशियो होगा किसी भी नॉर्मल टू प्लेन का। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप जब क्वेश्चन को डील करेंगे, तो आप जो प्लेन का ओरिएंटेशन है उसको आप उसके नॉर्मल से जज करते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है, वो आपको कन्फर्मली पता होना चाहिए, और आपके लिए ईजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं फोर नंबर में। फोर नंबर है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, ने प्लेन का वो इक्वेशन जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो,
यानी ये हमको गिवेन हो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंथ क्या है, ठीक है? ओके, इफ इंटरसेप्ट लेंथ, इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ प्लेन ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिसेस आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड सी। सपोज कीजिए आपको इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट लेंथ मालूम है कि एक्स एक्सिस पर ए लेंथ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर बी लेंथ और जेड एक्सिस पर सी लेंथ। तब ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, ठीक है? ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो सकता है। अगर आप फिगर से इसको समझना चाहते हैं तो फिगर से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है? सपोज करता हूँ मैं, ठीक है, कि मुझको जो है ये एक्स और वाई एक्सिस गिवेन है, क्लियर है, ठीक है, और मैं एक ले लेता हूँ जेड एक्सिस, लेट इट बी जेड एक्सिस, ओके, और एक प्लेन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, प्लेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ये यह हो गया, ये हो गया, ठीक है, ओके। सपोज करते हैं कि ये कोई प्लेन है मेरा, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है, और इंटरसेप्ट लेंथ आपको मालूम है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो अगर आपको ऐसा मालूम है तो ये ओरिजिन है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो बी जीरो और ये कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका जीरो जीरो सी, क्लियर है? तो ऐसे केस में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो आपको मिलेगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करता था, ओके। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ये देखिए जो मैंने आपको फॉर्म्स बताए हैं तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन के कुछ फॉर्म हैं, कुछ और भी फॉर्म्स आएंगे तो मैं उनको भी मेंशन करूंगा, ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको डायरेक्शन रेशियो जो है दो प्लेन के बीच का या प्लेन के नॉर्मल का, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, इससे आपको फिर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है? अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि दो लाइन दिया रहता है और वहाँ से फिर आपको एक प्लेन का इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो अगर दो लाइन है तो दो लाइन से भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं, बट अभी ये फॉर्मूला आप रखें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मैं एंगल बिटवीन प्लेन की भी बात कर लेता हूँ, ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए एंगल बिटवीन प्लेन को समझाने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप पहले प्लेन का पैरेलल कंडीशन और आप प्लेन का जो है परपेंडिकुलर कंडीशन को आप सोचिए, ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए मेरा तो ये कोई दो प्लेन है, ठीक है, एक ये है और मैं एक प्लेन लेता हूँ, यस, ओके, ये दो मेरा प्लेन है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये दोनों प्लेन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, ओके। तो अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो हम लोग देखेंगे कि इनके जो नॉर्मल्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। जब आप इनके नॉर्मल्स को तो आप देखते हैं, ठीक है, तो आप इनके नॉर्मल्स को सोचें, ठीक है, जैसे इस पे सपोज कीजिए ये नॉर्मल है, ओके, और सेकेंड वाले नीचे वाले प्लेन पे सपोज करता हूँ ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ओके।
ये इस पे नॉर्मल है, ध्यान दीजिए, और ये जो है आपका इस पे नॉर्मल है। तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। ओके, तो आप देखेंगे कि जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होगा तो उनके नॉर्मल्स भी डेफिनेटली क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हमको जो डायरेक्शन रेशियो मालूम होता है वो क्या मालूम होता है, नॉर्मल का, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली अगर दो डायरेक्ट दो आपका नॉर्मल अगर आपस में पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो उनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शनल में होंगे, या जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, आपस में सेम प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो देखिए, तो पहले मैं कंडीशन की ही बात कर ले रहा हूँ। तो नंबर ए मैं लिख रहा हूँ, टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स, अच्छा कौन कौन सा प्लेन है, दो प्लेन मैं ले ही लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ एक ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए वन बी वन सी वन जो होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ए वन बी वन सी वन, और जो ए टू बी टू सी टू होगा वो इसके किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, ए टू बी टू सी टू। अब आप देखिए, दो प्लेन जो है क्या है आपका, पैरेलल है, आर पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर देयर नॉर्मल्स आर पैरेलल, ठीक है। क्या इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा देयर एनी नॉर्मल्स आर पैरेलल। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, ठीक है। और नॉर्म अगर प्लेन अगर आपका दो लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोपोर्शन होगा, जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। याद रखिएगा, ये जो दो प्लेन है आपका वन और टू, ये पैरेलल होगा। टू प्लेन्स वन एंड टू आर पैरेलल, ठीक है, इफ दिस इक्वल टू दिस वन। और हम लोग इसको डायरेक्शन कोसाइन में भी लिख सकते हैं, यानी अगर नॉर्मल फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, एल वन बाई एल टू इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू, ठीक है। ओके, तो आप ये देखें कि दो प्लेन्स आर पैरेलल का मतलब ये है कि जब दो जो लाइन आपस में पैरेलल था, तो वही चीज़, चूंकि मैंने आपको पीछे के वीडियोस में ये बताया है कि दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो दो लाइन पैरेलल हो तो वही जो केस अप्लाई होता है, वही केस दो प्लेन के पैरेलल में भी अप्लाई होगा, ठीक है। सिमिलरली जो बी नंबर रिजल्ट है आपका वो होगा क्या, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो आप देखें, ठीक है, डेफिनेटली जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में दो प्लेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके, दो प्लेन है मान लीजिए आपके पास में, एक ये है एक मेरे पास में ये प्लेन है, ठीक है, ओके, और मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, ओके, सपोज कीजिए कि ये दो प्लेन है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो आप उनके नॉर्मल के बारे में सोचिए, ठीक है, कि उनका नॉर्मल कैसा होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा फिगर ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा सोचना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा।
यस, ये ठीक है। तो देखिए दो प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर आप इनके नॉर्मल को आप देखेंगे तो इनका नॉर्मल क्या होगा, ठीक है। तो मैं इनके नॉर्मल्स को दिखा देता हूँ कि इनका नॉर्मल कैसा होगा। सपोज कीजिए मैं इसके किसी भी एक नॉर्मल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ले लेते हैं कि हमारा ये इस पर कोई नॉर्मल है, ये ठीक है, इस पर कोई नॉर्मल है। और मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ, ये इस पे नॉर्मल है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो नॉर्मल है वो भी क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये आप आसानी से इसको सोच भी सकते हैं, ठीक है ना। तो टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि देयर नॉर्मल्स, एनी नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आ जाएगा, यानी क्या, यानी एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये आपको क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। या तो आप डायरेक्शन रेशियो में भी लिख सकते हैं कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वही कंडीशन आपका आ रहा है जो दो लाइन में था। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो प्लेन के बीच का एंगल वही है, उसी तरीके से डिफाइन होता है जैसे दो लाइन के बीच का एंगल डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको, ये तो आपको मैंने बता दिया परपेंडिकुलर का कंडीशन, ये पैरेलल का कंडीशन, और ये मिला नीचे वाला परपेंडिकुलर का कंडीशन, ठीक है। अब इसी बेस में मैं आपको समझा देता हूँ कि एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मेरे को दो प्लेन है तो दो प्लेन के बीच का हम लोग एंगल क्या लेंगे, ठीक है। तो इन जनरल, इन जनरल, ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हुज नॉर्मल्स हैव डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू इज, क्या हो जाएगा, वो होगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू रूट अंडर ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग बोलें डायरेक्शन कोसाइन में बोले तो क्या हो जाएगा, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा, ये इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये क्या है, ये है मेरा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक आप फाइनली नोट भी याद रखिए, क्या, जो आपको हेल्प करेगा, क्या नोट, कि जो एंगल बिटवीन टू प्लेन है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, ये जो है आपका, ये बिल्कुल सेम होता है कैसा, एंगल बिटवीन टू लाइन के, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका लाइंस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल्स, क्लियर है। तो आप इस तरीके से इसको लॉजिकली याद रखेंगे कि अगर आप बात करते हैं दो प्लेन का, ठीक है, तो दो प्लेन का एंगल आपको इसी तरीके से लॉजिकली याद रहेगा कि वो सेम होगा किसके, दो लाइन के, क्योंकि नॉर्मल्स भी आपस में लाइन है। तो हम लोग जब दो लाइन का फॉर्मूला पढ़े थे तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे दो प्लेन के बीच के लिए भी, ठीक है। और दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होगा, जब दो लाइन होता है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला होगा। और ये पैरेलल कब होगा, जब तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। जो मैंने कंडीशन आपके ऊपर में बताया है, आप वो भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कुछ और भी रिजल्ट्स वगैरह है तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।